तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे कनेक्ट करना है एक 4 वायर का सेंसर अपनी एप्लीकेशन के लिए। मैं आपको वर्किंग प्रिंसिपल बताऊंगा कि कैसे काम करता है एक 4 वायर का सेंसर, और आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे कनेक्ट करेंगे हम एक सेंसर, एक रिले और एक लोड को, जो एक्चुअल में यहाँ पे 4 वायर का सेंसर है। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंट्रो के साथ। वायर का सेंसर का वर्किंग समझने के लिए हमें NONC को समझना पड़ेगा। जब हमें NONC समझ आ जाएगा तो 4 वायर सेंसर के कनेक्शन इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं फिर भी सर्किट डायग्राम हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा ताकि वो एक रेफरेंस रहे आपके लिए, हर एक चीजें सामने भी दिखे और चीजें पेन एंड पेपर पे भी रहे। सबसे पहले ये समझ लो कि NO ऑपरेशन का मतलब क्या है। इसको इस तरह समझो कि मेरे पास एक सेंसर है और जैसे ही सेंसर के सामने कोई टारगेट आता है तब सेंसर हमें सिग्नल देता है। जैसे ही हट जाता है उस टाइम पे सेंसर हमें सिग्नल नहीं देगा। इसका मतलब ये है कि सेंसर मेरा NO ऑपरेशन पे काम कर रहा है। दोबारा समझाता हूँ कि जैसे ही मेरा टारगेट सेंसर के सामने आएगा तब सेंसर हमें सिग्नल देगा, जिसका मतलब ये है कि सेंसर NO ऑपरेशन का है। अब NC के बारे में बात कर लेते हैं। NC में क्या होता है, सेंसर हमें पहले से ही सिग्नल दे रहा होता है, मतलब वो ऑलरेडी आउटपुट में वोल्टेज दे रहा है। तो जैसे कोई टारगेट अब बीच में आता है तब सेंसर सिग्नल देना बंद करता है। यही फर्क है NONC का। और इसका फायदा क्या है, हमारी इंडस्ट्री में अलग अलग तरह की एप्लीकेशन होती है। NO और NC स्विचेस होते हैं अलग अलग तरह के, तो डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन हमें ये सिलेक्ट करना होता है कि हम NO सेंसर ले या NC सेंसर ले। PNP और NPN अलग अलग आउटपुट टाइप है सेंसर की, पर जो वर्किंग मेथड है दोनों का डिफरेंट है NO और NC। एक 4 वायर सेंसर में हमेशा 4 वायर होगी और हमेशा की तरह 2 वायर है सप्लाई की। जो हमारा सेंसर है वो काम करता है 10 वोल्ट से लेके 35 वोल्ट DC के ऊपर, मतलब हमारा सेंसर 12 वोल्ट DC में भी काम करेगा और 24 वोल्ट DC में भी काम करेगा। 4 वायर सेंसर में 2 वायर हो गई हमारी सप्लाई की और जो दूसरी 2 वायर है उनमें से 1 वायर होगी NO ऑपरेशन के लिए और जो चौथी वायर होगी वो होगी NC ऑपरेशन के लिए। डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन हमें वायर को सिलेक्ट करना है कि हमें NO ऑपरेशन के लिए यूज करना है सेंसर या फिर NC ऑपरेशन के लिए यूज करना है सेंसर। एक बात को समझना जरूरी है यहाँ पे कि हमेशा एक सेंसर को एप्लीकेशन में यूज करने के लिए सिर्फ 3 वायर यूज होगी, 2 वायर सप्लाई की और 1 वायर है आउटपुट की। लोग क्या करते हैं, एक सेंसर में दोनों प्रोविजन दिए हुए हैं, NO ऑपरेशन के लिए भी और NC ऑपरेशन के लिए। डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन आपको वो वायर सिलेक्ट करनी है जो NO हो सकती है या फिर NC हो सकती है। तो ये है मेरा फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर 4 वायर का और ये 18 mm इसका डायमीटर है। इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज 10-35 वोल्ट DC रहती है और आप देख सकते हैं 4 वायर का सेंसर है जिसको NO+NC सेंसर भी कहते हैं। आप देख सकते हैं इसकी सेंसिंग रेंज 30 cm होती है और जो सेंसर ये है PNP टाइप सेंसर। अगर किसी को जानना हो PNP टाइप क्या होता है तो मैं एक वीडियो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अब बात कर लेते हैं इसके कनेक्शन की। कनेक्शन इसके कुछ इस तरह से हैं, जो ब्लू वायर है वो है नेगेटिव सप्लाई की सेंसर और जो ब्राउन वायर है वो है पॉजिटिव, जो वाइट वायर है वो है इसका NC पॉइंट और जो ब्लैक वायर है वो है इसका NO पॉइंट। मैंने बताया था 2 वायर इसकी सप्लाई की है और 2 इसमें एक NO और एक NC है। ये है हमारी SMPS पावर सप्लाई जो 220 वोल्ट AC को 24 वोल्ट DC में कन्वर्ट कर रही है। ये 24 वोल्ट DC की 4.5 एम्पीयर की SMPS है। इसमें लाइव न्यूट्रल कनेक्टेड है और देख सकते हो यहाँ पे -V के लिए पोर्ट्स दिए हुए हैं और +V के लिए भी कनेक्शन के लिए पोर्ट दिए हुए हैं। यहाँ पे हमें 24 वोल्ट DC मिलेगी, इसके थ्रू हम अपने सेंसर और रिले को कनेक्ट करेंगे। अब सेंसर और SMPS को कनेक्ट कर लेते हैं। हम सेंसर की जो ब्राउन वायर है वो V+ से कनेक्ट करेंगे और जो ब्लू वायर है उसको नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट करेंगे।
आप देख सकते हैं, और आपको बस मेरी को फॉलो करना है जब आप इसको कनेक्ट कर रहे होंगे सप्लाई के साथ। मैंने ब्राउन और ब्लू कनेक्ट कर दिए, और जो लाइफ न्यूट्रल है वहाँ पे 220 वोल्ट एसी को कनेक्ट किया हुआ है। वहाँ पे मैंने जो रिले मैं यूज़ करूँगा इसमें वो ओमरॉन की MY2NGS है, जो एक 24 वोल्ट डीसी की 8 पिन की रिले है। ये एक प्लग इन टाइप रिले होती है जिसको आप प्लग इन प्लग आउट कर सकते हो, जस्ट इन केस अगर रिले ख़राब हो आप सिंपली उसको रिप्लेस कर सकते हो दूसरी रिले के साथ। कनेक्शंस आपको बस एक बार करने हैं, फिर आपको कुछ इश्यूज होते हैं तो आप उसको सिंपली प्लग इन प्लग आउट कर सकते हो। इसमें 13-14 कनेक्शन के हैं, इसमें 13 रिले का नेगेटिव है और 14 रिले का पॉजिटिव है। तो ये हमारा PNP टाइप सेंसर है, तो PNP टाइप सेंसर पॉजिटिव आउटपुट देता है, तो उसकी जो आउटपुट वायर होगी वो 14 पे कनेक्टेड होगी, आप देख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले को लेता हूँ और मैं सेंसर की आउटपुट के कनेक्शन करूँगा। मैं क्या करता हूँ, सेंसर की सिर्फ एक वायर को यूज़ करता हूँ जो वाइट वायर है NC के लिए, और इस वाइट वायर NC को मैं डायरेक्टली इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले की पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देता हूँ जो 14 नंबर होती है। तो मैंने 14 नंबर पे कनेक्ट कर लिए, और अब मैं क्या करता हूँ, एक वायर लेता हूँ उसको 13 नंबर के साथ कनेक्ट करता हूँ जो रिले की नेगेटिव थी, और रिले की नेगेटिव से मैं डायरेक्टली उस वायर से SMPS की नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं इससे क्या होता है, मेरे रिले के कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं और रिले को जो पॉजिटिव सप्लाई सेंसर के थ्रू मिलता है और जो नेगेटिव होता है वो SMPS के थ्रू डायरेक्टली मिल जाता है। मैं जैसे ही सप्लाई ऑन करता हूँ मेरे सेंसर और रिले को सप्लाई मिल जाती है। आप देख सकते हैं मेरी रिले पहले से ही ऑलरेडी ऑन स्टेट पे थी, जैसे ही सेंसर के सामने टारगेट आता है वो रिले ऑफ स्टेट में जाती है। आप इंडिकेशन लाइट को देखोगे तो जैसे ही टारगेट आता है तब इंडिकेशन लाइट ऑफ होती है। मैंने लाइट थोड़ी सी डिम की जिससे आपको विजिबिलिटी देखने में आसानी हो कि रिले मेरी पहले से ही ऑन थी और जब टारगेट आ रहा है तो मेरी रिले ऑफ स्टेट पे जा रही है। तो ये NC के कनेक्शन थे। NO कनेक्शन के लिए मैं क्या करता हूँ, जो सेंसर की ब्लैक वायर है उसको 14 नंबर रिले के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, और दूसरी जो वायर होती है वाइट वायर उसको हटा देता हूँ सिर्फ कनेक्शन के लिए। तो आप देख सकते हैं कनेक्शन वही सेम थे, बस ब्लैक वायर को मैंने लगा दिया 14 की जगह। अब आप देख सकते हैं जैसे सेंसर के सामने टारगेट आता है तभी मेरी रिले ऑपरेट होगी, देख सकते हैं ऑपरेशन के साथ। अब लोड को कनेक्ट करते हैं, अपने लोड सेंसर और रिले को। अब कनेक्शन करने के लिए लोड में दो वायर होती है, एक वायर जो लोड की होती है मैं उसको कनेक्ट कर देता हूँ 9 नंबर के साथ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 9 नंबर के साथ कनेक्ट कर दिया है, और जो क्या करता हूँ, जो दूसरी वायर होती है लोड की उसको डायरेक्टली न्यूट्रल सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, और 5 नंबर पे मैं लाइव वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कनेक्शन आपके सामने पूरी तरह से क्लियर है। आप देख सकते हैं लोड के कनेक्शन भी कंप्लीट हो गए और रिले के भी। तो जैसे कोई टारगेट आता है तो मेरा लोड तब ऑपरेट होता है। ये अभी NO कनेक्शन पे सेट था क्योंकि अभी सेंसर की ब्लैक वायर लगी हुई थी। अब मैं जैसे ही वाइट वायर को कनेक्ट करता हूँ ये हमारा NC कनेक्शन हो गया। अब जैसे ही क्या होएगा, पहले से ही लोड ऑन हो जाएगा, और जैसे ही कोई टारगेट सेंसर के बीच में आएगा तब हमारा लोड ऑफ होएगा। ये हो गए हमारे NC के कनेक्शन। अब दोनों में डिफरेंस समझ सकते हो NO और NC की वर्किंग और कनेक्शंस में। अब एक क्वेश्चन आता है कि जब 3 वायर का सेंसर ऑलरेडी था तो 4 वायर सेंसर की आखिर क्यों जरूरत पड़ी। बहुत ही रेयर एप्लीकेशन है जहाँ पे 4 वायर यूज हुए NO ऑपरेशन भी और NC ऑपरेशन भी साथ में। हमेशा यही होता है, एक सेंसर को हम एज अ NO स्विच यूज करते हैं या फिर एक NC स्विच यूज करते हैं। कंपनीज ने क्या किया, ये सेंसर इसलिए बनाया ताकि एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट बना सके जिसमें उनको अलग अलग मॉडल्स निकालने की जरूरत ना पड़े। ये चीज मैंने बहुत ऑब्जर्व की है, बहुत सारी कंपनीज एक जनरल प्रोडक्ट निकालती है जिसको मैं बोल सकता हूँ यूनिवर्सल प्रोडक्ट निकालती है। तो एक छोटा सा आइडिया आप सभी लोगों के लिए कि कभी भी जब आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करो या कोई भी डिवाइस बनाओ तो डिवाइस या प्रोडक्ट इस तरह का बनाओ जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने पूरी कोशिश की आपको हर एक चीज प्रैक्टिकली समझा सकूं, और मैंने वायरिंग के कनेक्शन डायग्राम उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है NO NC सेंसर के लिए और PNP और NPN टाइप सेंसर दोनों के दिए हुए। और मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे चैनल के थ्रू आप लोगों की बस हेल्प हो सके, और मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे बस यही है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो जिससे आने वाली वीडियो जो ऑटोमेशन से रिलेटेड होगी
और जिससे मैं अपने टेक्निकल लोगों की हेल्प कर सकूं और इस देश की तरक्की में खाद बढ़ा सकूं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।